गाइस आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज में हम लोग सीखते सीखते बहुत ही आगे आ चुके हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था आर्डिनो में लाइब्रेरी के बारे में कि लाइब्रेरी आर्डिनो में कैसे काम करता है, इसको हम लोग अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी हम लोगों ने देखा था अपने लास्ट वाली वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं एक नया इस फील्ड में आया हूँ आर्डिनो के फील्ड में, मुझे कुछ करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत सारे IoT प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, जैसे कि मुझे ABCD भी नहीं पता आर्डिनो का, तो मुझे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे कि कैसे हम लोगों को स्टार्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या परचेस करना है, कहाँ से नॉलेज हम लोगों को मिलेगा। तो गाइस इसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन आज की वीडियो खास होने वाली है इस वजह से क्योंकि मैं इसको स्टार्टिंग से समझाऊंगा कि आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो इस चैनल पर नए हैं, जो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में नए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वीडियो ये वाली हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना, तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा कि आप लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आज 7 टॉपिक को टच करने जा रहा हूँ। सबसे पहला है जो कि है व्हाट इज आर्डिनो, आर्डिनो होता क्या है। मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम मुझे कोई मशीन से काम करवाना है, एग्जाम्पल के तौर पे LED ब्लिंक करवाना है, तो अगर हम लोग आर्डिनो का यूज नहीं करते हैं, तो दूसरा तरीका ये होता है कि एक IC आता है NE555, उसको हम लोग कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगाकर हम लोग LED को ब्लिंक कराते हैं, उसमें कैपेसिटर को वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा जो LED का जो ड्यूरेशन है वो भी चेंज होगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही लेंदी करना पड़ता है कि हम लोगों को कैपेसिटर कैलकुलेट करना पड़ता है, रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, इसके लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि हम लोग हार्डवेयर बेस पर बनाते हैं तो बहुत ही लंबा हो जाता है। इसको हम लोग और एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम लोगों को एक IR सेंसर बनाना है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कैपेसिटर चाहिए हम लोगों को, ट्रांजिस्टर हम लोगों को उसके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा ट्रांजिस्टर लगेगा, रेजिस्टेंस चाहिए, और भी बहुत सारे पार्ट्स चाहिए हम लोगों को एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर या IR सेंसर बनाने के लिए। लेकिन अगर यही काम हम लोग आर्डिनो से करते हैं तो हम लोगों को सिर्फ आर्डिनो चाहिए और जो भी हम लोगों को सेंसर लगेगा, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर के लिए हम लोगों को IR सेंसर चाहिए और एक IR ट्रांसमीटर चाहिए, ये 2-3 चीज चाहिए हम लोगों को आर्डिनो में यूज करने के लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर बनाने के लिए। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के लिए, तो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए कि वो कैसे काम करेगा। हम लोग आर्डिनो को समझाते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर मोड में हम लोगों को कैसे काम करना है, क्या इंस्ट्रक्शन होंगे उसके लिए। तो गाइस ये हो गया आर्डिनो। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रोग्राम क्या होता है। अब मान लीजिए हम लोगों को आर्डिनो से कुछ काम करवाना है, तो हम लोग तो सीधे से बोल नहीं सकते कि हाँ आर्डिनो तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, तू प्रॉक्सिमिटी सेंसर बन जा, या तू 7-सेगमेंट डिस्प्ले सेंसर बन जा, या कुछ भी बन जा, तो ऐसा तो होता नहीं। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है। हम लोगों को प्रोग्राम अगर लिखना है तो उसके लिए बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि हम लोग आर्डिनो प्रोग्रामिंग में आर्डिनो सी या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लोग आर्डिनो को समझाते हैं कि ये काम करना है। तो इसके लिए हम लोग सी या C++ में हम लोग आर्डिनो प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो गाइस ये हो गया आर्डिनो प्रोग्राम, जो कि हम लोग आर्डिनो को समझाते हैं कि कैसे काम करना है, टेक्स्ट में समझाते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट इज ID एंड हाउ टू स्टार्ट विद ID, ये क्या होता है, ID क्या होता है। तो गाइस ID का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, इसका फुल फॉर्म है। अब स्टार्ट हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो सिंपली से हम लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है एंड्रॉयड यूजर के लिए। अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर है या फिर डेस्कटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो उसके लिए एक अलग पार्टिकुलर एक ID है, लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एंड्रॉयड यूजर के लिए, क्योंकि आज के जमाने में एंड्रॉयड फोन हर किसी के पास मौजूद है। तो चलिए हम लोग सिंपली से चलते हैं प्ले स्टोर पे। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग प्ले स्टोर पे आ गए हैं। अब हम लोग प्ले स्टोर पे आने के बाद हम लोग लिखेंगे आर्डिनो ड्राइव लिखेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आर्डिनो ड्राइव, यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे इसको पहले वाले ऑप्शन पे। अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ पहले से ही, आप लोगों को ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। अब हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया इसको, तो डाउनलोड करेंगे तो ओपन कर लेंगे इसको।
अब जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो इसमें कुछ सेटअप करना पड़ता है। आप लोग सिंपली सा सेटअप खुद से भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई ट्यूटोरियल वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पे मैंने पहले ही से प्रोग्राम सेट करके रखा आप लोगों को समझाने के लिए। तो गाइस ये है आईडी। आईडी में क्या होता है, हम लोगों को जो भी प्रोग्रामिंग करना है, मान लीजिए हम लोगों को कोड लिखना है, प्रोग्राम लिखना है आर्डिनो को समझाने के लिए, तो हम लोग इसी पे लिखते हैं। तो जो भी मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, सी सी प्लस प्लस जो भी हम लोग प्रोग्राम आर्डिनो को समझाने के लिए लिखते हैं वो हम लोग आईडी में ही लिखते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं आर्डिनो ड्राइव। यहाँ पे मैंने ब्लिंक एलईडी का प्रोग्राम खोला हुआ। तो गाइज ये है प्रोग्राम। अब चलिए हम लोग स्टार्ट कैसे करें। मान लीजिए हम लोगों ने प्रोग्राम लिख लिया, अब इसको हम लोग को आर्डिनो में कैसे भेजना है, कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ से आप लोग थ्री डॉट में जाएंगे। थ्री डॉट में जाने के बाद हम लोग सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले सेटिंग में हम लोग जाएंगे तो बोर्ड टाइप सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें आर्डिनो सेक्शन में जाने के बाद हम लोग ये जितने भी सारे बोर्ड हैं हम लोगों को आर्डिनो में प्रोवाइड किए गए वो यहाँ हम लोगों को मिल जाएंगे। तो आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके बाद फिर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कंपाइल करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम लोग कंपाइल करेंगे। तो अभी मैं नो कर रहा हूँ इसको। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ऊपर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपाइल के लिए, मैं सिंपली से यहाँ पे जाएंगे थ्री डॉट में। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक्शन वाले में जाएंगे सेक्शन में। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपाइल का ये आएगा। तो गाइस कंपाइल हम लोग जैसे ही हम लोग कोड लिखते हैं तो उसको सबसे पहले हम लोगों को कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल क्या होता है इसको मैं आगे समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में ही। तो हम लोग सबसे पहले कोड लिखते हैं उसके बाद फिर उसको कंपाइल करते हैं, तब हम लोग फिर से नेक्स्ट में जाएंगे अपलोड में। अपलोड वाले सेक्शन से हम लोग ओवर वाईफाई, ओवर प्री कंपाइल्ड, ओवर यूएसबी से हम लोग तीन ऑप्शन मिलता है प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए आर्डिनो में। तो गाइस ये हो गया कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग कैसे आईडी को यूज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कंपाइल। कंपाइल होता क्या है आखिर में। तो गाइस मान लीजिए हम लोगों ने लिखा प्रोग्राम, सी सी प्लस प्लस हम लोग यूज करते हैं आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन आर्डिनो जो भी होता है, कंप्यूटर जो भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो जीरो और वन की भाषा समझता है। हम लोग जो भी लिखते हैं हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट में अपने भाषा में लिखते हैं, तो उसको हम लोग अपने भाषा में लिखते हैं, कंप्यूटर समझता है जीरो और वन, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहा। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम लोग, जैसे कि मुझे मान लीजिए मुझे हिंदी आती है, हम लोग हिंदुस्तानी, हम लोगों को हिंदी आती है। अब हम लोग को किसी चाइनीज से बात करना है, तो बात करने के लिए ना हमें चाइनीज आती है ना उस चाइनीज को हिंदी आती है, तो हम लोग कैसे बात करेंगे। तो हम लोग किसी ऐसे पर्सन को ढूंढेंगे जो चाइनीज भी जानता हो हिंदी भी जानता हो, तो हम लोग उस पर्सन को बोलेंगे जो भी हम लोग कम्युनिकेट करना है चाइनीज से। तो हम लोग सिंपली सा उस पर्सन से हम लोग बात करेंगे, फिर वो पर्सन उस चाइनीज को समझाएगा उसके लैंग्वेज में। तो इसी तरीके से कंपाइलर काम करता है। कंपाइल क्या करता है, जैसे कि हम लोग अपने लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख लिया, अब कंप्यूटर लैंग्वेज है जीरो और वन, तो जैसे हम लोग कंपाइल वाले एक्शन में जाएंगे, यहाँ आप लोग एक्शन में देखेंगे कंपाइल स्केच करेंगे, जैसे ही हम लोग यस करेंगे तो ये जो कंपाइलर है कंपाइल करके ये जीरो और वन के फॉर्म में आर्डिनो के लिए रेडी कर देगा प्रोग्राम को। आर्डिनो को समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो गाइस सिंपल सी भाषा में मैंने समझाने की कोशिश किया कि कंपाइल क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ आर्डिनो। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम लोगों को कौन सा आर्डिनो लेना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा और आप लोगों के लिए आर्डिनो यूएनओ रिकमेंड करूंगा। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आर्डिनो नैनो हो गया, आर्डिनो मेगा हो गया, आर्डिनो यूएनओ, आर्डिनो मिनी, आर्डिनो ड्यूमेलानो हो गया, बहुत सारे वर्जन आते हैं आर्डिनो के। तो हम लोगों को अगर बेसिक स्टार्ट करना है तो हम लोग सिंपल सा लेते हैं आर्डिनो, हम लोग मैं रिकमेंड करता हूँ आर्डिनो यूएनओ को। गाइज अब हम लोग जैसे ही आर्डिनो को खरीदने के लिए सोचते हैं, बाई करने के लिए सोचते हैं, परचेस करने के लिए, तो हम लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग अमेजोन पर गए तो उसमें दो तीन वर्जन होते हैं, जैसे CS340G एक नॉर्मल वाला होता है आर्डिनो और एक होता है CS340G। अब CS340G क्या होता है, CS340G एक प्रोग्रामर आईसी होता है जो कि प्रोग्राम करता है आर्डिनो में, जो माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है उस चिप को प्रोग्राम करता है। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे फोन में या लैपटॉप में काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी चूज कर सकते हैं, CS340G वाला भी और नॉर्मल वाला भी जो आर्डिनो का बोर्ड आता है।
एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्डिनो नैनो लेते हैं हम लोग, तो उसमें दो वर्जन आते हैं, एक CS340G और एक होता है नॉर्मल वाला। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को सेटिंग में जाकर आप लोगों को सारा ऑप्शन दिखाऊंगा। जैसे आप लोग सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद बोर्ड टाइप में जाएंगे, बोर्ड टाइप में फिर से ऑर्डिनो सेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऑर्डिनो नैनो के लिए बात किया तो ऑर्डिनो नैनो 168 यानी कि एटमेगा 168 ये माइक्रो कंट्रोलर पे आता है, 328 आता है। अब लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था ओल्ड बूट लोडर, न्यू बूट लोडर, ये सारे टॉपिक्स हम लोग लास्ट वाली वीडियो में टच किया। तो आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं CS340G। अब आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ नैनो डब्ल्यू स्लैश एटमेगा 328/340G और 340G ओल्ड बूट लोडर। आप लोग यहाँ देख सकते हैं दो ऑप्शन, दो तीन ऑप्शन है, जैसे एटमेगा 328 नॉर्मल वाला और एक CS340G वाला। तो आप लोग कोई सा भी परचेज कर सकते हैं, आप लोगों को प्रोग्रामिंग में अपलोडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप लोग वहां मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइज ये हुआ CS340G चिप जो होता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो चिप है ये ऑर्डिनो को जो आईसी होता है माइक्रो कंट्रोलर उसको प्रोग्राम करने के लिए काम करता है ये। तो ये हो गया CS340G। अब गाइज हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स को, बेसिक टर्म्स को देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, प्रोग्राम हम लोगों ने लिख लिया, कंपाइल भी कर लिया। अब हम लोगों ने अपने फोन से ऑर्डिनो को कनेक्ट भी कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपलोड द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम अपलोड क्या होता है, मान लीजिए हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा, कंपाइल भी किया, अब हम लोगों को ऑर्डिनो से काम करवाना है। एग्जांपल के तौर पे पिछले एग्जांपल से ही लेता हूँ मैं, आईआर सेंसर यानी कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। उसको हम लोगों ने सेटअप करके रखा है ऑर्डिनो के बोर्ड में। अब हम लोगों को प्रोग्राम लिख लिया, अब इसको हम लोग अपलोड करने की जरूरत होती है। तो हम लोग फिर से जाएंगे 3 डॉट में, एक्शन में जाएंगे। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं अपलोड वाला ऑप्शन है, इसमें तीन ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ओवर USB, ओवर Wi-Fi, ओवर प्री कंपाइल्ड। तो ये आप लोग तीन ऑप्शन मिलते हैं। तो हम लोग सिंपल सा सिलेक्ट करेंगे ओवर USB। USB से सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को फोन के USB में एक वायर कनेक्ट करना है, जो कि USB से आप लोगों को Arduino के बोर्ड में कनेक्ट करना। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ओवर Wi-Fi, ओवर प्री कंपाइल्ड के लिए आगे की वीडियो में मैं समझाऊंगा कि कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, Wi-Fi के जरिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं Arduino को। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोग कैसे Arduino को के लिए शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं Arduino से और प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम लिखने के बारे में जानना है कि क्या प्रोग्राम क्या होता है, तो आप लोगों को इसके लिए ट्यूटोरियल मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।